भाई दोस्तों के साथ ट्रैवल करो ना तो डोमिनोज से अच्छा कुछ नहीं है। गर्मियों में चीज़ों के ख़राब होने का मुझे बहुत डर लगता है। कैसा है तंदूर पिज़्ज़ा? बहुत मस्त है। उसमें देखो चीज़ कैसे गिर रही है, ये ट्रिपल चीज़ बस्ट है, भरा हुआ एकदम चीज़। बजट मील की बात की जाए ना तो 110 रुपये में हमने थाली मंगाई थी, इसमें 4 रोटियां थी। देखो अभी शांत भाई खा रहा है। मन में एक्साइटमेंट इस चीज़ को लेकर के कि गीतांजलि जब जस्ट आगे चलने वाली है तो मोस्टली ओवरटेक तो होगा। कि स्लीपर में देख लो आप भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे गोंदिया एक्सप्रेस के। जैसे अपना कोच यही है और थोड़ी दूर तक ट्रैवल करना है, स्लीपर में टिकट करा लिया था। तो यहाँ पे 1:13 पर हमारी हावड़ा मुंबई वीकली एक्सप्रेस 12870 आ चुकी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग हैं शेगांव में, यहाँ गजानन महाराज के दर्शन के लिए आए थे। अब यहाँ की मान्यता और महत्व को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, नाम सुना होगा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। अभी मैं फ़िलहाल रुका हुआ हूँ आनंद विहार की, जो यहाँ पे सेवा बनाई गई है, भक्त जो आते हैं उनके लिए रहने ठहरने की जो व्यवस्था दी गई है आनंद विहार निवास में, वहाँ पे हूँ मैं। यहाँ का कैंपस आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पावन है। सामने विट्ठल महाराज की मूर्ति देखिए यहाँ पे बनाई गई है। लगातार यहाँ साफ़ सफाई चलती रहती है। बहुत दिनों से आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि शेगांव के ऊपर वीडियो देखना है, तो देखिए वो है यहाँ पे सामने व्यवस्था है। ये रहा बुकिंग काउंटर। यहाँ की अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे आपको दर्शन के लिए अगर आप आते हो तो सभी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। इतने सारे भक्त निवास हैं जहाँ पे आप हर तरह के रूम बुक कर सकते हो, एसी, नॉन एसी, कूलर वाले रूम्स। जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वो एसी रूम है, जिसका जो 3 लोगों की जो फ़ीस हमें पड़ी है वो मात्र 950 रुपये है 24 घंटे की। सुविधाएँ बहुत ही साफ़ सुथरी और व्यवस्थित यहाँ पर दी गई हैं। साथ साथ खाने पीने के लिए भी यहाँ पर सुबह के नाश्ते से लेकर लंच हो गया आपका, शाम की चाय हो गई, रात का डिनर हो गया, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ढंग से की गई है। मात्र 10 रुपये में आपको पर प्लेट, मतलब यहाँ पे पोहा, साबूदाना खिचड़ी और मतलब बहुत सारी वैरायटी ऑप्शन अवेलेबल है, उपमा वगैरह सब कुछ मिलता है, इडली वड़ा सांभर, आपके स्वाद का भी पूरा ख्याल रखा गया है, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। कभी अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ज़रूर विज़िट करें, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था का सब लाभ उठाएँ आप यहाँ पर, और गजानन महाराज के दर्शन ज़रूर करिए। कल मैं गया था रात में, बहुत ही सुखद और पावन दर्शन हुए थे वहाँ पे। यहाँ पे बुकिंग काउंटर्स वगैरह बने हुए हैं। और भी सेवाओं की बात करूँ तो आप एक बार कैंपस देखिए। ज़्यादातर अगर यहाँ पे बूढ़े लोग आते हैं, आपके पास सामान ज़्यादा है तो सामान भी आप आसानी से कैरी कर सकते हो। इस तरह की ट्रॉलियाँ उपलब्ध हैं, व्हील चेयर उपलब्ध है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बस स्टैंड। ये है यहाँ के कैंपस का बस स्टैंड जहाँ पर फ्री बस सेवा है। ये देखिए यहाँ लोग वेट कर रहे हैं ना, हर 10-15 मिनट में बस सेवा है जो कि आपको छोड़ती है, एक तो रेलवे स्टेशन के लिए भी और यहाँ से है आपको मंदिर के लिए भी फ्री बस सेवा मिल जाती है, जिससे आप गजानन महाराज के दर्शन कर सकते हो। वहाँ भी आपके लिए सब सुविधाएँ हैं, खाने पीने से लेकर हर चीज़ की। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको यहाँ दिक्कत तो कोई भी नहीं होने वाली है। और यहाँ पर जो सेवा भाव से लोग रहते हैं ना, इनकी कोई भी सैलरी नहीं होती है। लोग 3-3 महीने पहले से अपने आपको रजिस्टर करते हैं कि मुझे फ्री में सेवा देनी है। तो यहाँ पे जो भी सेवादार हैं इनकी कोई सैलरी नहीं होती, कुछ नहीं होता, सब अपने मन से अपनी इच्छा से यहाँ पे आके सेवा करते हैं लोगों की। इसका कैंपस आप देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पे देखो हर तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं, माहौल बहुत ठंडा है। वैसे शेगांव तो एक गर्म जगह है, लेकिन यहाँ पर देखिए पार्क वगैरह बनाया गया है बच्चों के खेलने के लिए, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो ये है यहाँ का प्रसादालय, जहाँ पर आपको लाइन लगा के टोकन कटवाने पड़ेंगे खाने पीने के लिए, उसके बाद आप अंदर जाके प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। अच्छा, बाकी आप लोग की बहुत डिमांड आ रही थी ना कि शेगांव जाइए और कचौड़ी वगैरह ट्राई करिए, तो यहाँ आया था गजानन महाराज के दर्शन के लिए, तो सोचा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर ये शर्मा जी की कचौड़ी जो कि बहुत प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ से बाहर भी भेजी जाती है। और जब भी लोग यहाँ आते हैं मेरे को कमेंट करते हैं, अगर गाड़ी स्किप भी कर रही होती है ना, भैया शेगांव की कचौड़ी नहीं खाई आपने, इसलिए आया हूँ टेस्ट करने के लिए। और ये काफ़ी फेमस जगह है, दिन रात यहाँ पे कचौड़ियाँ जो हैं वो बनती रहती हैं। मीठी चटनी और होती तो स्वाद बन जाता। बाकी एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे लगातार गोली की रफ्तार से कचौड़ियाँ बनती चली जा रही थी और भैया लोग भी मेहनत से लगे हुए थे अंदर, और जितनी कचौड़ियाँ निकलती जाती हैं उतनी बिकती भी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ख़राब आइटम तो नहीं ही मिलेगा। ये दुकान सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक खुलती है। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैंने आपको दे दिया, आप ट्रेन में भी मंगा सकते हो। मेन चीज़ क्या है, शेगांव रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर इनका एक काउंटर भी खुला है, रेल कोच रेस्टोरेंट भी है उसके जस्ट बाहर इन्होंने बनाया। रात के समय में तो भाई वो बहुत खूबसूरत लगता है, जिन लोगों को रात के समय नाइट आउट वगैरह करना और चाय वगैरह पीना बाहर घूम के वो पसंद है ना, उनको तो वहाँ बहुत मज़ा आएगा। दिन में भी काफ़ी साफ सुथरा सा है,
और सेम चीज़ वहाँ भी मिलती है। कौन क्या था और इनका जो ओरिजिनल काउंटर है वहाँ तक मैं चल के आया, वरना लोगों के कमेंट ये भी आते कि भैया आपने ओरिजिनल कचौड़ी नहीं खाई, क्योंकि लोगों के मन में डाउट रहता है कि रेलवे वाला काउंटर इनका है कि नहीं। तो रेलवे वाला जो काउंटर है वो भी इन्हीं का है, आप आ सकते हो, यहाँ से पैक करा सकते हो, फ्रोज़न वाले भी ले जा सकते हो जो कि आपके साथ 2 महीने तक चलने वाले हैं। अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र एक्सप्रेस से पहले जाएंगे शेगांव से अकोला, अकोला से फिर से मुंबई की ट्रेन लेंगे और शेगांव को स्किप करते हुए मुंबई तक के अपने सफ़र को तय करने वाले हैं। चलिए इसे फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपसे जल्दी। बाकी ये रहा शेगांव रेलवे स्टेशन, जो लोग भाई यहाँ से हैं वो लोग तो जानते ही होंगे अपने स्टेशन को। 9:20 पे आ चुके हम लोग, पहले महाराष्ट्र एक्सप्रेस के स्लीपर से जाने वाले अकोला तक, फिर अकोला से एक और ट्रेन लेके जाएंगे मुंबई तक, कुछ ऐसे प्लान किया हम लोगों ने। बहुत सारी जो ट्रेनें हैं शेगांव रुकती नहीं है, सुपरफास्ट ट्रेनें वगैरह, तो नॉन सुपरफास्ट ट्रेनों का सहारा लेना पड़ेगा, या तो आप भुसावल तरफ जा सकते हो या तो अकोला तरफ जा सकते हो। तो अकोला हमको काफ़ी नज़दीक पड़ रहा था, बाई रोड जाओगे तो आपको 1 घंटा लगेगा, 40 किलोमीटर के आसपास है, तो इसलिए हम लोगों ने ट्रेन प्रेफर किया है। 145 में पहुँच जाएंगे। सौरभ भाई भी हैं, सौरभ भाई की फैमिली के साथ ही आए थे और श्रेयांश भाई भी हमारे साथ है, तो दर्शन वगैरह सब बहुत अच्छे से हुए। अब निकल रहे हैं वापसी के लिए, देखते हैं गोंदिया एक्सप्रेस कब आएगी। सोचा आपको एक जब समय है तो टूर करवा दे प्लेटफॉर्म का, काफ़ी साफ़ सुथरा है यार, एक चीज़ माननी पड़ेगी। हाँ, आनंद विहार भी बहुत खूबसूरत था, साफ़ सुथरा था, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई देखने को मिल रही है। कचौड़ी प्लेटफॉर्म पे भी मिल रही है, पर भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि वहाँ से कॉल करके मंगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लोग भी ऐसी यात्रा करना चाहते हो, नई नई जगह घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो ऐसे में एक्स्ट्रा इनकम की तो ज़रूरत पड़ेगी, पर क्या करें, हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है। समय न्यू प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले सकते हो, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने हैं पॉकेट ब्रोकर में, जहाँ पे आप सक्सेसफुली ट्रेडिंग सीख सकते हो, सक्सेसफुल ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे ट्रेडिंग के किंग भी आप बन सकते हो। रजिस्टर करना बहुत ही आसान है, 50 मिनट्स में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप 130 से ज़्यादा सेट्स पे ट्रेड कर सकते हो। हाँ, लेकिन पहले डिपॉजिट पे आप लोग मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना, उससे आपको 60% बोनस मिल जाएगा आपको पहले ही डिपॉजिट पे, साथ साथ आपको $50,000 मिल जाएंगे आपके डेमो अकाउंट में, जहाँ पे आप ट्रेडिंग सीख सकते हो और नए नए ट्रेंड्स को भी वहाँ से सीख सकते हो। चलिए आपको दिखा देता हूँ एक बार ट्रेड करके, यहाँ पे आपको कैसे करना है। यहाँ पे ट्रेडिंग के बिगनर स्टेज में होना, तो देखो यहाँ पे आपको एजुकेशन मटेरियल मिल जाते हैं, 24/7 हेल्प सेंटर मिल जाता है, मैं अभी दिन में 2-3 बार खेल लेता हूँ यहाँ पे, तो हमको थोड़ा बहुत इनकम जनरेट हो जाता है। चलिए एक ट्रेड करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक सक्सेसफुल ट्रेड कर लिया। अगर आप लोग भी ट्रैवल करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपने आपको रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा, और हाँ प्रोमो कोड को जरूर यूज़ करिएगा, आपको अच्छे खासे फायदे इसके मिलेंगे। अब आप भी बन सकते हो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए पॉकेट ब्रोकर। महाराष्ट्र एक्सप्रेस यहाँ पे आ चुकी है कोल्हापुर से गोंदिया, श्री छत्रपति साहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से गोंदिया के बीच में चलती है ये। कि स्लीपर में देख लो आप भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे गोंदिया एक्सप्रेस के, जैसे अपना कोच यही है और थोड़ी दूर तक ट्रैवल करना है, स्लीपर में टिकट करा लिया था, इधर ही रहते हैं। मान लो अगर गाड़ी चल दी तो अंदर चढ़ने की जगह तो रहेगी, उधर अपना रिजर्वेशन है। चलो चलो अंदर चलो भाई, यहाँ से 10 बजे निकली है, अभी मेरे को एक तत्काल करना है, मैं अंदर जाता हूँ सीट में। श्रेयांश भाई इंजॉइंग द वाइब, इंडियन रेलवेज पूरी गाड़ी पैक हो रखी है यहाँ पे। अकोला पहुंचने वाले हैं, सामने जो लाइन आ रही है ना, यही फ्यूचर में दिखना खंडवा सनावत को कनेक्ट होगी, अभी इसमें काम चल रहा है, बहुत काम बाकी है अभी इसमें।
अभी भी चल ही रहा है इसका काम। अकोला जंक्शन तो फाइनली ट्रेन पहुंच गई, पर गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। टाइम आप देख लो 10:30 पे हमारा यहाँ पे अराइवल हो रहा है। भीड़ यहाँ से भी ट्रेन में चढ़ने वाली, क्योंकि डेली ट्रेन है गोंदिया एक्सप्रेस, महाराष्ट्र एक्सप्रेस एक्चुअली, जो कि कोल्हापुर से गोंदिया के बीच में चलती है। अच्छा, अगर बात करें ना तो यहाँ से रूट्स की, तो आपको पूर्णा परभानी वाली जो लाइन है नांदेड़ वाली, वो अकोला से ही अलग होती दिखाई देगी। और साथ साथ आप यहाँ से बडनेरा नरखेड़ा की ओर भी बढ़ सकते हो। सेम लाइन जो है वो नागपुर की ओर जाती है, पर अब हम लोग वापस से रिटर्न ट्रेन लेंगे और वही भुसावल वाली लाइन से जाएगी, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ पे खाने पीने की कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं और यहाँ पे ऐसी गर्मी है ना कि बाहर जाके खाना वाना ऑर्डर करने का बिल्कुल मन नहीं है। तो अभी मैं IRCTC की ई केटरिंग में चेक कर रहा था, आपको दिखा देता हूँ लाइव आपको इस ऐप को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आपको सिंपली अपना PNR नंबर यहाँ पे डालना है, एक IRCTC का फूड ऑन ट्रैक है ये, आपको आपकी ट्रेन के हॉल्ट मिल जाएंगे। और हमारी ट्रेन का जो हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है अकोला, जहाँ पे अभी हम लोग बोर्ड करेंगे, और फिर आने वाला है भुसावल। तो यहाँ पे देख लो, भुसावल में बहुत सारे ऑप्शन है, जूप है, रेलोफाई है, जोमेटो, डोमिनोज, सब कुछ है। तो अभी हम लोग चार तो यंग हैं, तो हम लोग क्या काम करते हैं, डोमिनोज से कुछ मंगवा लेते हैं। बहुत दिन से पिज़्ज़ा भी नहीं खाया, और पिज़्ज़ा भी हो जाएगा अपना। और साथ में यहाँ पे डेजर्ट, चॉकलावा, कोक वगैरह सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और आपको बताऊँ, रेलोफाई के हॉट प्लेट ऑप्शन में आपको यहाँ पे थालियों का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप मिनिमम ऑर्डर भी यहाँ पे दे सकते हो, 1 रुपये का है। दाल राइस, थाली वगैरह सब कुछ आप मंगा सकते हो यहाँ से। थाली भी मंगा लेते हैं, देखते हैं कैसा आने वाला है, क्योंकि वैरायटी पे चेक हो जाएगा कि इंडियन खाना आपको कैसा मिलता है भुसावल में। और साथ साथ डोमिनोज आपको गर्म सर्विंग देता है कि नहीं, मौसम तो इतना गर्म है, अब चीज़ उसकी गर्म होती है कि नहीं, ये सभी चीज़ें अपने को देखनी है। देखते हैं खाना कैसा होगा, लेकिन फिलहाल उससे पहले जब ट्रेन आती है ना तब आपसे मुलाकात करता हूँ। यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा रेस्ट करते हैं, सीधा ट्रेन पर मुलाकात करते हैं। ट्रेन का हमारी कोई हॉल्ट नहीं मुंबई तक, केवल भुसावल एंड नासिक दो ही जगह रुकती है, बाकी कोई हॉल्ट नहीं, पूरा भागते हुए जाते हैं। इसलिए खाना सेफ्टी के लिए पहले से ही ऑर्डर करके रख लेना चाहिए हमको। अकोला रेलवे स्टेशन के बाहर आपको अमनदीप एक्सप्रेस नाम का ये रेल कोच रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप लंच वगैरह कर सकते हो, खाना पीना खा सकते हो। साफ़ सुथरी जगह पे बनाया गया है, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है इसका यहाँ पे। यहाँ पे देखो आप लोग आज़ाद हिंद एक्सप्रेस अकोला में आते हुए, बताऊँ आपको ये 6-6.5 घंटे की देरी चल रही है। सुबह 6 बजे का टाइम था, 12 बजे यहाँ पे पहुँच रही है। बहुत सारी गाड़ियाँ आज लेट हैं, इसलिए हमारी ट्रेन भी देरी से आएगी, पर देखते हैं कब तक यहाँ पे आती है। बाकी यहाँ पे AC वेटिंग हॉल है, उधर चलते हैं, बाहर बहुत गर्मी है। बाहर गए थे रेल कोच रेस्टोरेंट वगैरह देखा, पर इतनी गर्मी थी वहाँ खाने का मन नहीं हुआ, खाना पैक करा के ले आया फैमिली के साथ, यहीं पे अंदर बैठ के AC में खाएंगे, बाहर तो नहीं हो पाएगा भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी अकोला में। ये देखो यहाँ पे गीतांजलि एक्सप्रेस अप वाली 2:40 पे, और अभी आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन और गीतांजलि एक्सप्रेस के बीच में टाइम गैप कितना है यहाँ पे। तो देख लो यहाँ पे 12870 हमारी ट्रेन 1:03 पर दिखा रहा है, और गीतांजलि 12:40 पर। पहले तो गीतांजलि आएगी, लेकिन मुंबई मुझे लगता है हमारी ट्रेन पहले पहुंचेगी। और ये रहा यहाँ का AC वेटिंग हॉल। तशांत भाई, मुंबई पहले कौन पहुंचेगा? हम पहुंचेंगे, हमारा स्टॉप नहीं है, हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप आती है, गीतांजलि के स्टॉपेजेस है, इसलिए मुझे तो यही लग रहा है कि हमारी ट्रेन उसको ओवरटेक करेगी, पर कहाँ करेगी वो नहीं पता। एक्साइटिंग में ओवरटेक होगा कि नहीं होगा, कहाँ होगा देखते हैं। बाकी क्या देख रहे हो तुम? फाइनली यहाँ पे हावड़ा मुंबई की सबसे प्रीमियम ट्रेन गीतांजलि एक्सप्रेस अकोला में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आते हुए। टाइम देख लो आप लोग, अभी गीतांजलि एक्सप्रेस आ रही है। इसके पीछे पीछे ही अभी अपनी ट्रेन भी आती होगी। मन में एक्साइटमेंट इस चीज़ को लेकर के कि गीतांजलि जब जस्ट आगे आगे चलने वाली है, तो मोस्टली ओवरटेक तो होगा। वो ओवरटेक मुझे लग रहा है कि भुसावल से पहले होना चाहिए, क्योंकि गीतांजलि अभी 2-3 स्टॉप और रुकती है, पर हमारी ट्रेन सीधा जाके भुसावल रुकेगी, और भुसावल के बाद सीधा जाके नासिक, और बीच में गीतांजलि एक्सप्रेस को जलगांव वगैरह भी स्टॉप दिया गया है। तो एक सोचने वाली चीज़ है, पर देखते हैं कहाँ होता है ओवरटेक, क्या होता है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अपनी ट्रेन जब आती है
करता हूँ, आपसे मिलते हैं फिर से। तो यहाँ पे 1:13 पर हमारी हावड़ा मुंबई वीकली एक्सप्रेस 12870 आ चुकी है। एसी के कोचेस एकदम लास्ट में होते हैं इसमें 12870। वैसे तो दोनों गाड़ियों के बीच में अच्छा खासा अंतर होता है, पर आज गीतांजलि भी लेट है, ये थोड़ा सा लेट है, इसलिए एक के पीछे एक गाड़ियां जाने वाली है। इस गाड़ी से दुरंतो वाली फीलिंग आ रही है, तुरंत ही इसे यहाँ से निकाल दिया गया और प्लेटफॉर्म पे इसने अच्छा खासा पिकअप भी कर लिया। यहाँ पे है एसी वेटिंग हॉल, अगर आप आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इस गाड़ी ने अच्छा खासा पिकअप यहीं से ले लिया। गर्मी देखिए आप एक बार यहाँ की, इंडियन रेलवेज की शान ये एल्फो लोकोमोटिव्स धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रहे हैं। अच्छा निकलते ही 130 मजा आ गया यार, चलते हैं थोड़ी देर में बाहर, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, हिम्मत जुटाते हैं पहले। 130 गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही है ट्रैक साउंड के साथ, इंडियन रेलवेज के यही मजे, देखो 130 निकलते ही। तो ये गजानन महाराज का मंदिर का प्रांगण आपको दिख रहा होगा, देखिए पार्किंग कितनी बड़ी है। अभी हम लोग शेगांव को स्किप करने वाले हैं, स्टॉप तो नहीं अपना, पर यहीं से आज यात्रा की शुरुआत की थी और घूम फिर के यहीं वापस आ चुके हैं। आज शेगांव से ही अपनी यात्रा शुरू हुई थी और देख लो शेगांव को अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं, यहीं से महाराष्ट्र एक्सप्रेस ली थी हम लोगों ने। अब ये गाड़ी यहाँ नहीं रुकती इसलिए हमको अकोला तक जाना पड़ा था, ये कहानी तो आप समझ गए होंगे। गीतांजलि का यहाँ पे स्टॉप है पर इसका नहीं है, और इसका भुसावल तक कोई नहीं है, उसका तो अभी मलकापुर भी है, आगे आगे चल रही है, लूप यहाँ पे क्लियर नहीं था इसलिए ओवरटेक तो नहीं हुआ, पर पिकअप हमारा यहाँ से हुआ। वेट कर रहे ओवरटेक को और यहाँ पे देख लो आइसक्रीम आई थी ट्रेन में, वो ले लिया हम लोगों ने। मौसम बहुत गर्म है, ओवरटेक के लिए ऐसे तड़प रहे, वेट कर रहे। शेगांव में लूप खाली नहीं था, गुड्स ट्रेन खड़ी थी इसलिए ओवरटेक नहीं हुआ। आगे गीतांजलि ट्रोल कर रही, 130 चलती है, पिकअप लेती है, फिर ये धीरे होती है, पता नहीं ओवरटेक कहाँ होगा, देखते हैं सिलसिला कब तक चलता है, हम लोग भी हार नहीं मानेंगे। 130 की रफ्तार में चल रहे थे, ट्रेन ने स्लो डाउन किया है फिर से मलकापुर से पहले, देखो स्पीड ड्रॉप हो रही है, धीरे धीरे मलकापुर को स्किप कर रही है, यहाँ से ही पिकअप ले रही है क्योंकि गीतांजलि एक्सप्रेस यहाँ से निकल चुकी है और उसने आगे जाके रफ्तार अब पकड़ ली है। ट्रेनों को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं ताकि ओवरटेक हो तो आपको दिखा पाएं, पर गीतांजलि भी ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, टॉप प्रायोरिटी की ट्रेन है, मैंने उसमें ट्रैवल किया है हावड़ा से मुंबई, कमाल की ट्रेन है, खाना पीना भी उसका बहुत स्वादिष्ट है। तो अब यार वो ऐसे में ओवरटेक इतनी आसानी से दे देगी तो मेरी भी उससे जो इच्छाएं हैं वो थोड़ी निराशा में हो जाती, और उसने अपनी इज्जत को मेंटेन रखा है भाई, उसने ओवरटेक नहीं दिया, अभी देखते हैं वो कब तक ये सिलसिला चलता है। मुंबई तक ओवरटेक नहीं दिया ना तब तो अलग ही मज़ा आएगा, पर हमारे अंदर भी एक्साइटमेंट बनी है, एसी कोच में टिकट होने के बाद भी बार बार आना पड़ता है देखने के लिए, तो गर्मी
स्पेशल टाइप की लग रही है। क्या गर्म हवा आ रही है भाई। बात ट्रैवल करें तो 22 मार्च अप्रैल भी नहीं है, इतनी भयंकर गर्मी है। इस साल गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। कंप्लीट 3 AC इकोनॉमी कोचेज हैं और कुछ स्लीपर के कोच, कोई स्पेशल ट्रेन होगी छपरा पनवेल। अरे गुड्स लोकोमोटिव यहाँ पर डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, मतलब ये डिब्रूगढ़ की ओर जा रही है लोकमान्य तिलक से। बहुत हालत ख़राब है गाड़ी की, तो भीड़ भी भर के एकदम उसमें, स्लीपर में भी, स्लीपर की ज़मीन तक में बैठने की जगह नहीं है। देखो बड़ा मूवमेंट, टॉयलेट भी फूटे हुए हैं। पता नहीं कैसे लोग इसमें डिब्रूगढ़ तक यात्रा करेंगे, इसमें वॉशरूम भी नहीं है गाड़ी में। ऐसे इसमें इंडियन रेलवेज़ की अकेले गलती नहीं है, यात्रियों को भी मैं देखता हूँ नुकसान पहुँचाते प्रॉपर्टीज़ को रेलवे की। तो दोनों को ही अपना योगदान देना है, एक रेलवे को और एक हम लोगों को, तभी रेलवे हमारी बेस्ट बन पाएगी। इतना बड़ा नेटवर्क है इंडियन रेलवेज़ का, इतनी सुविधाएँ हैं यहाँ पर, सुविधाओं का लाभ उठाने वाले ही जब उनकी कदर नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे मेंटेन रहेंगी। मुंबई से लखनऊ के बीच चलने वाली पुष्पक, हमने इसमें यात्रा की है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। पुष्पक इज ऑलवेज पुश पैक, हमेशा पैक रहती है गाड़ी। कितनी 3 AC इकोनॉमी लगा दी इसमें, M8 इकोनॉमी एक्सप्रेस हो गई अभी। भुसावल ना अपने केलों के लिए बहुत मशहूर है, मतलब भुसावल और जलगांव का जो बेल्ट है यहाँ केला बहुत अच्छा मिलता है, ले लेते हैं। पहले सीट पे रख देते हैं अपना, IRCTC का खाना भी आने वाला होगा, वो ऑर्डर किया था हमने। भुसावल के बारे में कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जंक्शन इसलिए है ना क्योंकि यहाँ से खंडवा इटारसी वही लाइन जबलपुर और दिल्ली इन रूटों में जाती है, वहाँ के लिए रूट गया हुआ है। साथ साथ हम लोग जलगांव वाली लाइन पर बढ़ेंगे, पर हमारी ट्रेन का जलगांव स्टॉप नहीं है, और भुसावल एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होती है क्रू की। और ट्रेनों की बात की जाए तो यहाँ पर मेंटेनेंस होती है, पानी वगैरह भरा जाता है हमारे ट्रेन का, सब कुछ होगा, क्रू चेंज भी होगा, तो अपना स्टाफ वगैरह भी चेंज होगा गाड़ी का। एक भैया को लगा कि हमारी ट्रेन जाने वाली है तो आ जाओ भाई, अपना खाने का ऑर्डर आ गया, इधर भूख भी लग रही थी, सही समय पर आ गए। यहाँ पे हम लोग को सिग्नल मिल चुका है डिपार्चर का, और बगल में कामायनी एक्सप्रेस भी आ गया है यहाँ पर। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए अंदर चलते हैं इज्जत से, बीमार नहीं होना मेरे को, अभी बहुत ट्रिप करनी है। बाकी गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी, इस बात की तो मैं तारीफ़ करूँगा, साफ़ सुथरी तो गाड़ी है। तो जो लोग अपने भाई लोग यहाँ भुसावल से हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, और जलगांव वाले भी ज़रूर कमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। ये गाड़ी बहुत अच्छी ट्रेन लगी मुझे क्योंकि इसके स्टॉपेज बहुत कम है, भुसावल नासिक और फिर सीधा मुंबई।
गर्मियों में खाना पीना थोड़ा संभाल के खाना, ऑनलाइन ऑर्डर करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये जो स्टॉल्स होते हैं ना यहाँ पे गर्मियों में आलू वड़ा ये सब जो होता है ना सड़ जाता है बहुत जल्दी, और ये आप एक बार ले लोगे ट्रेन चल लेगी तो क्या शिकायत करूँ, क्या कंप्लेन करूँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना खाने पीने का। मोस्टली ट्राई करना कि फल खाओ, खीरा खाओ, ये सब चीज़ें खाओ। बाकी टाइम की बात की जाए तो अभी हम लोग एक घंटे के डिले के साथ चल रहे हैं, देख लो आप लोग। यहाँ पे 3:25 का मतलब वैसे 2:25 का अपना टाइम था, ट्रेन यहाँ पे 3:45 से पहले निकल रही है, 2:25 का अपना टाइम था ट्रेन यहाँ पे 3:35 पे निकल रही है, थोड़ा बहुत डिले जो यहाँ पे चल रहा है कामायनी एक्सप्रेस के आगे आगे निकलते हुए, बलिया लोकमान्य तिलक कामायनी एक्सप्रेस, बनारस से एक्सटेंड करके बलिया कर दिया गया है, पहले ये गाड़ी बनारस तक थी। बाकी यहाँ गर्मी में अपना देखो खाना आ चुका है फ्रेश, इसमें थाली वगैरह है, इसमें पिज़्ज़ा आइटम है, देखते हैं कैसा है। और यही सूरत से छपरा की ओर जाने वाली ताप्ती गंगा, ये भी पैक गाड़ी है। खाने का पैकिंग तो बहुत ज़ोरदार रहा है एयर सिटी के, ये देखिए कुछ ऐसे आया है, और कुछ स्पिलेज नहीं है, मेन चीज़ ये है, और गरम गरम सर्व हुआ है, रोटियां इसमें, ये हमने एक बेसिक थाली मंगाई थी 110 रुपये की, यहाँ पे दाल आपको सब्जी चावल और रोटी वगैरह मिल जाती है, रायता अलग से मंगाया था, स्वाद वगैरह तो आपको बताएंगे सौरभ भाई अनबॉक्सिंग किंग लगे हुए हैं सारा खाना अनबॉक्स करने में। पता है मेन बात क्या है, कोक जो है बिल्कुल ठंडी सर्व हुई है, और मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ठंडी सर्व हो पाएगी, क्योंकि बाहर मौसम गर्म है, डोमिनोज वाले भैया है, और आइस टी हमने मंगाई थी ये बढ़िया है, एंड सेकंड चीज़ पिज़्ज़ा एकदम फ्रेश आया है, ये वाला पिज़्ज़ा तो हम लोगों ने उधर फैमिली को दे दिया, पर ये स्पाइसी वाला हम लोग के लिए रखा है, एक प्लेन मंगाया था। गर्मियों में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है इसकी, और ये ठंडी मिलनी चाहिए तभी मज़ा आता है, बाकी दोस्तों के साथ इन्जॉय करते हैं पिज़्ज़ा भी। भाई दोस्तों के साथ ट्रैवल करो ना तो डोमिनोज से अच्छा कुछ नहीं है, गर्मियों में चीज़ों के ख़राब होने का मुझे बहुत डर लगता है। कैसा है तंदूरी पिज़्ज़ा? बहुत मस्त है, उसमें देखो चीज़ कैसे गिर रही है, ये ट्रिपल चीज़ बस्ट है, भरा हुआ एकदम चीज़ से, प्रॉपर तंदूर क्या हुआ है भाई साहब, कितना रनिंग ट्रेन में खा रहे हैं। जो बर्थडे वगैरह है तो आप केक वगैरह तो अभी कट नहीं कर सकते हो ट्रेन में, कैंडल नहीं जला सकते, तो ऐसे में पिज़्ज़ा कट कर लेना अलग ही भाई भाई की। केक का रिप्लेसमेंट आपका चोकोला हुआ, आज रेड वेलवेट मंगाया ना वो भी दिखाते हैं, मस्त है यार बहुत अच्छा। नटका आने वाली है 440 स्किपिंग ज्यादा, इसको खानदेश बोलते हैं ना सौरभ, खानदेश जलगांव वो काकू में गांव है। अच्छा अच्छा बाकी देखो खाना पीना अपना चल ही रहा है, अभी जलगांव जंक्शन है, यहाँ से सूरत की ओर लाइन जाती है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर इस ट्रेन को स्टॉप नहीं दिया गया, पता नहीं क्या तूफान बना इसको, नॉनस्टॉप दौड़ रही है, नॉनस्टॉप आ रही है, सूरत वाली लाइन आएगी। बजट मील की बात की जाए ना तो 110 रुपये में हमने थाली मंगाई थी, इसमें 4 रोटियां थी, देखो अभी शांत भाई खा रहे हैं, तो ये है यहाँ पे सूखी सब्जी, थोड़ा सा सलाद, राइस और दाल आई है यहाँ पे, शांत भाई टेस्ट करो, दाल बहुत बढ़िया बनी है, शांत भाई खा ही रहे थे उसको, दाल देखो कितनी बढ़िया गाढ़ी एकदम। सौरभ टेस्ट करो आलू की सब्जी, अब तुम्हारे रिव्यू का इंतजार करते हैं लोग, उनको पसंद है तुमको खाते हुए देखना। मैं भी एक पीस टेस्ट करता हूँ, आलू की सब्जी टेस्ट करो, बहुत बढ़िया। सौरभ खा ले फिर मैं भी खाता हूँ। 110 के हिसाब से कैसा है सलाद? बढ़ता है, बढ़िया। ट्रेन के खाने से अच्छा आप इसे प्रेफर कर सकते हो। क्या टेस्टी है भाई, ये क्या स्वादिष्ट खाना है भाई। आईआरसीटीसी की ई केटरिंग जो है ना वर्थ इट है, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो भी, 15 लोग से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो आप ग्रुप में खाना मंगा सकते हो बल्क में, वो तो और भी अच्छा है, वरना भाई ये सब जो खाना है ना इस जन्नत है। पिज़्ज़ा अपनी जगह है, इसका अलग टेस्ट है, अलग दोस्तों के साथ मज़ा है, और देसी खाने का अलग स्वाद है। क्यों शहन भाई बोल रहा था, बहुत बढ़िया है, मेरे को तो बहुत पसंद है, मैंने इसलिए आधा किलो वाला मंगाया था, मस्त लग रहा है, कंप्लीट
कंप्लीट खाना। चलो इसे फिनिश करते हैं, आपसे आने वाले स्टेशन में मुलाकात करते हैं। अभी तो रुकेगी नासिक में, देखते हैं कुछ मिला अच्छा कंटेंट तो आपको दिखाते हैं। बाकी गीतांजलि इसके आगे आगे भाग रही भाई। तो भाई देखो यहाँ पे रेड वेलवेट केक भी है एज ए डेजर्ट। हमने बहुत सारी चीज़ें मंगा ली जोश में, सोचा छः लोग हैं तो सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2500 का खाना मंगाया था, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है सब। को रेड वेलवेट केक ऑन बोर्ड मिलता है ट्रेन में। श्रेयांश भाई चॉकोलावा ट्राई कर रहा है, वाइट चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है, बहुत सही है। मराठवाड़ा संपर्क क्रांति मैंने पहली बार ट्राई किया था, उसके बाद फिर से आज ट्रेन में ही खा रहा हूँ, घर में तो नहीं खाया, लेकिन वर्थ इट भाई। ट्रेन ट्रैवल दौरान ये सभी चीज़ें ट्राई करो, जर्नी को स्पेशल बनाओ IRCTC के साथ। चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। लगातार 120-130 की रफ्तार में हमारी ट्रेन चल रही है, कुछ ही समय में 40 गाँव रेलवे स्टेशन को पार करेंगे। धीरे हो गई 40 गाँव स्किप करने के टाइम पे। चालीस गाँव से कहाँ के लिए राइड गई, लाइन गई हुई है आप लोग को बताना है। मैंने भी कई वीडियोस में आपको बताया 40 गाँव से कहाँ के लिए राइड गई हुई है, आज आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कहाँ के लिए लाइन गई है। आगे गीतांजलि चल रही है, ओवरटेक कुछ हो नहीं रहा है, तो हमारी ट्रेन धीरे चल रही है उसके चक्कर में। अगर आप लोग बंगाल की गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो पहली चीज़ आपको मील अच्छी मिल जाएगी पैंट्री कार की, और साथ साथ चाउमीन और लाल चाय अगर मिल रही है तो वो बढ़िया मिलेगी। पर पता नहीं इस ट्रेन का कैसा है, वीकली ट्रेन है, सप्ताह में एक ही दिन चलती है, देख लेते हैं इसका टेस्ट कैसा। चाउमीन का भी मैंने लिया जैसे, जो तारीफ़ की थी ना खरी उतरी, 10/10। टेस्टी तो बहुत है भाई, सनसेट के टाइम में इसे एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारी गाड़ी मनमार स्किप करने वाली है, फिनिश करते हैं इसे और जल्दी से पहुंचते हैं वहां पर।
सावरी माता की जय हो। आप सभी लोगों का स्वागत है त्र्यंबकेश्वर जी की नगरी में, यानी नासिक में, और इसे सिटी ऑफ वाइंस भी कहा जाता है। गोदावरी माता के तट पर बसा हुआ नासिक शहर बहुत ही खूबसूरत है, धार्मिक मान्यता भी है। यहाँ पे ट्रेन 6 बजे पहुँचने वाली थी, पर आज थोड़ा सा डिले हो गया है। 6:45 यानी 6:45 ट्रेन यहाँ पर पहुँची है। खाने पीने की सभी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है, तो खाने की दिक्कत तो नहीं होगी। सिटी ऑफ माइंस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेप वाइन बनती है, और 20-20 रुपए पैकेट में अंगूर मिले हैं भाई यहाँ पे। ये जो अंगूर है मेरे हाथ में, ये 60 रुपए के हैं, इससे अंदाज़ा लगा लो। भुसावल अपना केले के लिए फेमस है, नासिक अंगूर के लिए, तो इस बेल्ट में खाने पीने की तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। साथ साथ ट्रेन में पेंट्री कार भी है, जहाँ पे नूडल्स और ऐसी जो बेसिक चीज़ें आपको खाने पीने के लिए मिल जाएंगी। और रात के लिए बिरयानी अवेलेबल थी, वो भी हम लोगों ने ऑर्डर कर दी है। थोड़े समय में अपनी प्रीमियम सीआर राजधानी से क्रॉसिंग होगी, वो आपको दिखाते हैं। पूरे स्टेशन में आपको अंगूर वगैरह सब मिल रहे हैं, संतरे केले अंगूर सब कुछ अवेलेबल है खाने पीने की चीज़ें। तीन लोग बैठे हुए हैं, दो साइड और कंफर्म में फिर भी शाम की चाय चल रही है ना, चार्ट पेपर नॉट अवेलेबल। तीन साइड पर लाइन से रखे हुए, एक ही जगह बैठे हुए, यहीं पे चाय होगी। हमारी 7:30 इगतपुरी पे थी, और उसके बाद धीरे धीरे एकदम क्रॉल कराते हुए इसको लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि कल्याण 9:45 का टाइम दिया हुआ है। और एक्चुअली मैं सही बताऊं तो 9 बजे तक ये ट्रेन दादर पहुंच सकती थी, और इसका दादर का टाइम 10:30 दिया है, मतलब एक घंटा ट्रेन लेट चल रही थी। अब कल्याण ट्रेन एक घंटा बिफोर टाइम पहुँचने वाली थी, आप समझ सकते हो इंडियन रेलवे ने इसे क्या टाइमिंग दी है, स्लैक टाइमिंग। लेकिन इसे इतना धीरे ले जा रहे हैं गीतांजलि के एकदम पीछे पीछे कि अब ये गाड़ी 10:30 बजे ऑन टाइम तो दादर पहुँच जाएगी, पर दुख इस बात का है जो गाड़ी जल्दी पहुंच सकती थी वो लेट पहुंचेगी। मुंबई लोकल यहां पे आप देख लो, टाइम आप देख लो, 9:45 इसका कल्याण का टाइम है, तो अब ये 9:45 इसको लेकर के जाएंगे धीरे धीरे करके कल्याण। इसको बंद कर देते हैं। क्या बताऊं, इस गाड़ी को इतना रुला रुला के ले जा रहे थे, और प्रायोरिटी मिली वंदे भारत को, शिरडी वंदे भारत जस्ट अभी ओवरटेक करके गई है। अभी हम लोग कल्याण के आउटर में ही है, मतलब अभी भी नहीं लिया है, तितवाला है ना, तितवाला स्टेशन, अभी एक अंबेवली ऐसा कुछ आता है स्टेशन के बाद आएगा। 9:40 पे यहाँ पे ओवरटेक करके गई है, हम पहुँचेंगे 10:30-11 ही दादर, चाहे तुम कुछ कर लो कितना भी जल्दी गाड़ी को ले लो। क्यों सौरभ भाई, देखो निराश हो गए लोग, बोर हो रहे है। लेकिन एक चीज़ है कि गाड़ी खाली खाली सी है, तो हम लोग को बैठने उठने के लिए बढ़िया सीटें मिल रही हैं। अगर ये गीतांजलि होती तो पूरा पैक होती, पर मुझे लगता है गीतांजलि को अब वो ओवरटेक नहीं कर पाएगी वंदे भारत। गीतांजलि पहुंच गई होगी, गीतांजलि दादर खींच देंगे अब उसको, ये वीकली गाड़ी इसको रुला दिया। चलो देखते हैं अब कब पहुँचते हैं हम लोग, वही एक हमारा आखिरी दुखद एक चल रहा है लास्ट में। वंदे भारत तक तो हजम हो रहा था, अभी लोकल भी ओवरटेक करके जा रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए था इस गाड़ी के साथ, आउटर में रोक के लोकल भी निकाल दी।
मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, इज्जत नहीं दे रहे हो, पर ऐसा तो मत करो ना। पर 1300 रुपीज़ भरे हैं पूरा कोला से मुंबई के, सुपर फास्ट का किराया भरा है और यहाँ पे 5-5 रुपये वाली लोकल ओडे करके जा रही है। वही तो गाड़ी बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज है भाई। पीछे से भी हमें ओवरटेक पड़ने वाला है, एक और कमाई नहीं होगी पीछे से। अमरावती अमरावती सुपरफास्ट कामायनी एक्सप्रेस, पक्का कामायनी होगी, वैपोर है ना अमरावती। लाइट लोकोमोटिव क्रॉसिंग, नहीं नहीं लाइट लोकोमोटिव ओवरटेक कर रहे हैं भाई, ओवरटेक करके जा रहे हैं, गजब बेइज्जती है। अच्छा ब्रेड है भाई, मालगाड़ी ओवरटेक करके गए, आज तो मजा आ गया भाई। भाई कैब करूं क्या इधर से, लोकल से जाएंगे जल्दी पहुंचेंगे। एलटीटी दानापुर नाम से कोई गाड़ी एक और यहां पे निकाल रहा है एलटीटी। अभी तक हमारी ट्रेन को कोई मूवमेंट नहीं दिया है, स्पेशल ट्रेन है ये, होली के लिए स्पेशल ट्रेन। देख लो भाई 10:10 हो गए, एक ही जगह पे हम लोग खड़े हैं, क्या बोलूँ अभी मैं इससे ज़्यादा। गुड्स लोकोमोटिव लग रहा है, मैप 7। ज्ञानेश्वरी एलटीडी शालीमार, ये आई यहाँ पे पुणे वाली लाइन और अभी हम लोग कल्याण जंक्शन पहुँच रहे हैं। ये देखो मर्ज हो रहा है ट्रैक से, कल्याण आने में ही 10:40 हो गए अपने को यहाँ पे। डिपार्चर सिग्नल आने के साथ ही दिया हुआ है, ज़्यादा लेट ना हो, ऑलरेडी हो गई है देख लो 10:40 यहीं पे हो रहा है। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, अब ये गाड़ी 11:20 तक ही पहुँचेगी, ये कोल्हापुर अहमदाबाद भी यहाँ पे आ गई। पहले यहाँ पे ट्रेन दिया हुआ है कोल्हापुर अहमदाबाद स्पेशल एक्सप्रेस, मतलब वीकली गाड़ी है, स्पेशल तो नहीं। ये गाड़ी बड़े आराम से 9:30 तक दादर पहुंच सकती थी, पर एक घंटा इसको यहाँ पे आउटर पे रोका है, मतलब आउटर बोल रहा हूँ वो स्टेशन जो है तितवाल, वो टेक्सअप कराया। अभी वंदे भारत गीतांजलि दोनों पहुंच चुके हैं, सीएसटी हम लोग इत्मीनान से जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में इस गाड़ी को 11:40 का अराइवल दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का। अभी भी टाइम है, बहुत बहुत टाइम है, अभी आराम से 11:20 तक इसको लेके जाएंगे दादर। Thank you.
चालुक्य रवाना हो रही है और हम भी निकल चुके हैं। ये तिरनेल वैली की ओर जाने वाले चालुक्य हैं, वो भी निकली पैरेलल डिपार्चर। अरे कोई रह गया, सिंपल किया किसी ने, वरना पैरेलल में था। खराब है फोन, ट्रिपल टोन हॉन्क भी नहीं दे पा रहा। वो लोग चढ़ने पे तो उन्होंने चेन पुल कर दिया उधर। कल्याण थाने सब दिखा रहा हूँ, हमेशा आप लोग की कंप्लेंट आती है कि भैया आपने थाने नहीं दिखाया। कोलकाता मेल, यहाँ पे आप देख लो रात में 11:30 जा करके पहुँच रहे हैं दादर। जो अनुमान लगाया था वो सही हुआ। खाने पीने की बात करूँ तो ट्रेन की बिरयानी बहुत अच्छी थी, सौरभ भाई ने ट्राई किया। बाकी चाय वगैरह भी इसमें आपको प्रीमिक्स मिल जाती है, तो चाय भी अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाएगी। खाना मैं रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन मंगाना, गर्मी के मौसम में IRCTC की कैटरिंग का उपयोग कर सकते हो। बाकी सीट अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो इसमें मैंने आज सुबह ही टिकट लिया और दोपहर तक कन्फर्म, तो ऐसे आपको इसमें मिल जाएगा टिकट, हमेशा ही इसमें अवेलेबल मिलेंगे, वो इशू आपको नहीं आएगा। कहीं से भी करा लेना, नागपुर मुंबई सब मिलेगा आपको। स्टॉपेजेस कम है, मेन फ़ायदा ये है तो गाड़ी ठीक ठाक है, पर मुंबई के अंदर आके बहुत क्रॉल करती है भाई। ओवरऑल साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया थी गाड़ी की, तो मैं उस हिसाब से इस गाड़ी को रिकमेंड तो ज़रूर करूँगा। क्योंकि गीतांजलि भी 11:10 पे पहुँची है, ये 11:30 पहुँची है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम गैप नहीं है, इसलिए ये गाड़ी भी वर्थ इट रहेगी अगर आप हावड़ा से मुंबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हो तो। चलिए ट्रेन तो हमारी निकल चुकी है, अब हम भी निकलते हैं घर, मिलेंगे जल्दी आपसे नई जर्नी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, हाथ वगैरह पैसे, अब घर जाना है सामान लेकर के, मिलते हैं जल्दी।